पहले उत्तर प्रदेश जाना जाता था एक्सप्रेसवे ग्रोथ, मेट्रो, लैपटॉप्स, और आज उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है गोली और बोली से। कल विधानसभा में हंगामा हुआ, आपकी जान को खतरा बताया गया है, तो बहुत जान का खतरा, बहुत जान का खतरा है। मैंने आपसे कहा कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जैसे आपने गाड़ी ली, घर लिया, सब लिया, सिक्योरिटी भी ले लो, जब चाहो तब ले लो, क्योंकि हमें साइकिल चलाने में बड़ा आनंद आएगा अकेले, और अभी तो साइकिल की रफ्तार शुरू होनी है। क्योंकि देखिए, आप हमारे समर्थक हो, हम आपके प्यार में कुछ भी आपको कह देंगे, लेकिन जो विरोधी लोग हैं वो कमी निकालेंगे। अरे हम तो मैं जब गांव में रहता था, हालांकि लोकसभा में मैंने कहा था, मैं सभी प्रेस के अपने साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और स्वागत करता हूं कि आप समाजवादियों की बात सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हालांकि सरकार का चौथा बजट है, चौथा बजट आखिरी बजट की तरह होता है, उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन था, उत्तर प्रदेश जिसके लिए चर्चा में रहता था, समाजवादी सरकार में पहले एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता था, मेट्रो कितनी बन रही हैं उसके बारे में जाना जाता था, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के लगातार पिछले कुछ वर्षों में जो परसेप्शन उत्तर प्रदेश का बना है वो गोली और बोली का परसेप्शन बन गया है। पहले उत्तर प्रदेश जाना जाता था एक्सप्रेसवे ग्रोथ, मेट्रो, लैपटॉप्स, और आज उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है गोली और बोली से। सरकार की कोशिश होती है कि अपने सबसे प्रिय काम पहले करें। सरकार का सबसे प्रिय कार्य पहले ही लिखा है कि गंगा यहां है, यमुना भी यहां है, लेकिन न गंगा साफ हुई है न यमुना साफ हुई है, और गंगा यमुना तब तक साफ नहीं हो सकती जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत ना साफ हो, कि किसान की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन अगर हिसाब किताब ठीक होगा तो 1% भी किसान की आय नहीं बढ़ी है, और भाजपा के अभी तक के चारों बजट छल कपट से भरे रहे हैं। सरकार का दावा रहा कि पहला बजट किसानों के लिए था, सरकार का दावा था कि दूसरा बजट औद्योगिक विकास के लिए था, तीसरा बजट महिलाओं के कल्याण के लिए था, और चौथा बजट जो दावा कर रहे हैं कि ऊर्जा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए है। और वास्तविकता तो, सच्चाई तो ये है कि किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी और माँ गंगा तथा गाय माता के हितों में भाजपा सरकार ने शून्य कार्य किया है, जीरो। और भाजपा सरकार का ये जो आखिरी बजट है, क्योंकि पांचवा बजट तो चुनावी बजट होता है, ये जो आखिरी बजट था भाजपा सरकार का, इससे भी कोई आशा उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं है। जो इनका लक्ष्य था $1 trillion इकोनॉमी का, मुझे नहीं लगता है कि उस कहीं पूरा होने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने यह बता पाई है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना आने जा रहा है और सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट कितना होगा। जब तक सरकार इन बातों को नहीं कहेगी तब तक $1 trillion अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। सरकार ने कई इन्वेस्टमेंट मीट की हैं, इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट मीट की थी जिसमें दावा किया था कि लाखों रुपए के MOU हो गए। कम से कम सरकार ये बताती कि जो MOU हुए थे, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी और जो कारखाने लग गए हैं उनको हम इतना इंसेंटिव दे चुके हैं। अगर इंसेंटिव नहीं दिया है
तो इसका मतलब है इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। कम से कम इंसेंटिव ना बताए तो सरकार ये बताए कि किन बैंकों से वो करार हुआ है जो इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है। और सबसे बड़ा दावा किया था, अगर आपको याद हो तो सोलर के लिए दावा किया था कि सबसे ज्यादा एमओयू सोलर में हुए हैं और सोलर में इन्वेस्टमेंट तब आएगा जब उसका बजट का इंतजाम होगा। तो इसलिए सरकार लगातार धोखा दे रही है, किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, उद्योग जगत के लोगों को धोखा दिया, जनता को धोखा दे रहे हैं। इस बार मुझे लगता है ये सब बजट देखने के बाद और इनके काम करने के तरीके को देखने के बाद आने वाले समय में जनता इनको धोखा देगी। विधानसभा में हंगामा हुआ, आपकी जान को खतरा बताया गया है, तो बहुत जान का खतरा, बहुत जान का खतरा है। सरकार ये कह रही है कि 182 लोग तो सुरक्षा में लगे हुए हैं। हम तो ये कहते हैं कि देखिए 182 हो, 400 हो, हम केवल ये जानना चाहते हैं। हालांकि मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आजाद रहना चाहते हैं। सरकार ये बताए कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस हॉल में LIU के इंस्पेक्टर कैसे आ सकता है, हमें ये सरकार बताए। हम पार्टी के कार्यालय में कोई आयोजन करें तो कोई क्यों आ सकता है, कैसे आएगा? और फिर पूरे देश में केवल समाजवादी पार्टी के हमारी एनर्जी हटाई जाएगी? कम से कम सरकार तो ये बता देती कि अब आप VIP नहीं है, आपको कोई जान का खतरा नहीं है, आपकी इसलिए एनर्जी हट गई। सर बीजेपी भी वही कह रही है कि एनर्जी वापस लेने के लिए समाजवादी पार्टी विधानसभा में मुद्दा उठा रही है अखिलेश यादव जी। मैंने आपसे कहा कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जैसे आपने गाड़ी ली, घर लिया, सब लिया, सिक्योरिटी भी ले लो, जब चाहो तब ले लो, क्योंकि हमें साइकिल चलाने में बड़ा आनंद आएगा अकेले। और अभी तो साइकिल की रफ्तार शुरू होनी है, बहुत जल्दी शुरू होगी रफ्तार। देखिए पॉलिटिकल जैसे हम लोग हैं, पॉलिटिक्स करने वाले जितने भी लोग हैं, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि कुछ काम ऐसे करने चाहिए अगर वो सरकार से भी चले जाएं तो और जनता याद करे। कम से कम मुझे खुशी है इस बात की कि जब कभी मैं सड़क देखता हूं, जब कभी मैं मेट्रो देखता हूं, जब कभी मैं 1090 की बात सुनता हूं, जब कभी मैं 181 सुनता हूं, तो हमें खुद खुशी होती है कि हाँ कुछ अच्छा काम समाजवादियों ने किया था। कम से कम ये सरकार कुछ ऐसे काम तो करे जो सरकार में ना रहे तब तो याद करे। कोई काम नहीं ऐसा जो मुख्यमंत्री, जो सरकार अपना जिला भूल जाए, मेट्रो ना ला पाए। हालांकि सैफी में मेट्रो की बात नहीं की मैंने कभी, मैंने नहीं बात की, ये हम ये इस बात का भी नहीं कहेंगे कि सैफी का सब काम रोक दिया। और मैं आज कह रहा हूं आपसे, ये स्मार्ट सिटी बनते नहीं बनते, ये नहीं बना पाएंगे स्मार्ट सिटी, क्योंकि स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन इनके पास खुद नहीं है कि हम स्मार्ट सिटी किसको कहेंगे। लेकिन अगर इन्होंने बजट दिया होता हमारे नेटिव प्लेस को तो शायद देश का सबसे अच्छा विलेज होता। और यही नहीं, और विलेज बन रहे थे, मिर्जापुर में था, सीतापुर में था, इस्पर्स विलेजेस जिसमें पानी RO था, सब बजट काट दिया इन्होंने, रोक लिया। तो स्मार्ट सिटी तो नहीं बनी कहीं, स्मार्ट सिटी बनी हो तो बताओ। और जो अपना कहा गए भूल गए हों, ऐसे मुख्यमंत्री जो खुद कहे खुद भूल गए, जाते ही झांसी में गए और कहा कि हम मेट्रो लाएंगे झांसी में, बताओ झांसी में मेट्रो कब आएगी? गोरखपुर में आई नहीं। और देखिए जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जा रहा है, जो लोग सैफई से सबसे ज्यादा चिढ़ते थे, सबसे ज्यादा चिढ़ने का काम करते थे सैफई से, इटावा से, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उठा के लाए और इटावा में हमारे सैफे के पास ही जोड़ दिया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसलिए हम उन्हें बधाई देते हैं, क्यों बधाई तो दे सकते हैं कि नहीं, बधाई देते उन्हें। एक तरफ ऐतिहासिक बजट आया है, ऐतिहासिक झूठ बोला गया है, ऐतिहासिक क्या बोलेंगे, जुमलेबाजी। दूसरी तरफ लखनऊ से बाराबंकी का किराया जो 33 रुपए था वो 36 रुपए हो गया, सबसे ज्यादा मार जो है छात्रों और डेली वर्कर्स के ऊपर। देखिए अब लखनऊ से याद आया, अगर इनकी इस पर तर्क दिया गया है कि रूट पर
बदला गया है इसलिए ट्रैवल की पिछले 30 सालों से उसी रूट पे बसें चल रही हैं। अब इनको याद आया कि रूट बदल दिया गया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, एक मिनट, मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ। अरे रुक जाओ एक मिनट, बड़ा चैनल तो बड़ी की तरह बिहेव करो। एक मिनट, इनकी बात खत्म हो जाने दो। ये जो कह रहे हैं मैं इनसे 100% सहमत हूँ। एक दिन मैंने यही कहा था या एक जगह प्रेस में कहा था मैंने, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ समाजवादी सरकार बनेगी तो जो पॉलिटेक्निक से मेट्रो है वो बाराबंकी पहुँचेगी और आपका किराया भी सस्ता होगा। तो बाराबंकी में मेट्रो क्यों ना हो? और फिर अरे लखनऊ वालों, आप सब लखनऊ में ही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे, मुझे पता है 90% नहीं रहोगे। कम से कम आप तो पूछ लेते कि मुख्यमंत्री जी जितना समाजवादी लोग बना के छोड़ गए मेट्रो, उतनी खड़ी है वहीं से वापस आ जाती है, कम से कम गोल गोल तो घुमा देते लखनऊ में। हमारे मुख्यमंत्री जी आईपैड के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, अगर कभी कुछ गलत दबा दिया, कुछ गलत विंडो खुल गई तो कैसे बंद करेंगे, ये आप बेहतर समझते हैं। तो ये जो आज नई पीढ़ी है 25 साल से या 18 साल से और 35-40 साल के लोगों का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश कैसा हो, जो 18 साल से ऊपर आएंगे, जो नए बच्चे आ रहे हैं जिनकी संख्या बहुत है, बड़ी आबादी आने वाली है, वो सोशल मीडिया को बिल्कुल ऐसे समझते हैं जैसे उनकी एज के साथ आया है। हमारे साथ नहीं आया, आपके हमारे साथ, हम लोगों ने सीखा है, वो ग्रो कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के साथ। तो उनके सपने, उनके सोचने का तरीका, उनके काम करने का तरीका अलग है। वो कहो अगर बच्चे आपके हमारे घर में हों तो 3 या 4 काम इकट्ठे कर रहे होंगे। अगर हमने और आपने कभी किया होता अपने पिताजी के सामने तो बताओ कान खिंचता कि नहीं खिंचता। आज बच्चे देखो टीवी भी देख रहे हैं, कुछ लैपटॉप पे भी कर रहे हैं, मोबाइल पे भी कर रहे हैं, कई प्लेटफॉर्म पर हैं सबके बच्चे। तो नए जो बच्चे हैं, नई जो पीढ़ी आ रही है, वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रही है मुख्यमंत्री जी से, इसलिए किसी हमारे पत्रकार साथी ने समझा दिया होगा कि ऐसा करो अगर फोटो आईपैड के साथ खिंचवा लोगे तो वो नई पीढ़ी भी समझेगी कि हाँ आप उनके मुख्यमंत्री हैं। जाएं नहीं, अमेरिका से आएगा डेयरी प्रोडक्ट्स, सुना मैंने, पढ़ा किससे? नहीं नहीं, वो समझौता पहले हो चुका है। नहीं, उसके लिए तो देखिए हमारे जैसा काम करना पड़ेगा कि अपनी गाय खुद रखिए और गाय को चराइए, जितना अच्छा चरेगी, बांध के मत रखिए। ये जानते ही नहीं लोग, कुछ लोग। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम इससे सुंदर सड़क पूर्वांचल की बनी होती तो अच्छा लगता। देखिए आप सीरियस बात रखो, क्योंकि देखिए आप हमारे समर्थक हो, हम आपके प्यार में कुछ भी आपको कह देंगे, लेकिन जो विरोधी लोग हैं वो कमी निकालेंगे। अरे हम तो मैं जब गांव में रहता था, हालांकि लोकसभा में मैंने कहा था कि मैंने बुजुर्गों को देखा है, गांव के बूढ़े लोगों को, कि जब वो चारपाई पे उठते थे पहले धरती के पैर छूते थे, धरती माँ है कि नहीं है? धरती माँ। तो हम तो वो लोग हैं जो धरती को भी माँ मानते हैं। गुजरात में दलित बस्तियों को छुपाने के लिए दुनिया में कहीं जाति के आधार पर अन्याय नहीं है, इसलिए मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उत्तर प्रदेश को खुशहाली में ले जाना चाहते हैं तो 351 सीट जिताने के लिए आप भी मदद करें। समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आए।